एडिक्शन, आदत की खराबी। आजकल इंसानों का बिगेस्ट किलर है एडिक्शन। सबसे पहले टेस्ट आता है, यानी आपको मज़ा आएगा, और उसके बाद आप उस मज़े को रिपीट करेंगे तो हैबिट फॉर्म हो जाएगी। जब हैबिट जो है बढ़ती 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 एडिक्शन में आ जाती है, एडिक्शन से और कल्मिनेट होगी तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। ये जो है एक क्राइटेरिया आपको यहाँ से मिल रहा है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं एडिक्शन की, ताकि आप खुद से कंट्रोल करें। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी फर्स्ट स्टेज पर हैं जिसमें एंजॉयमेंट आ रही है, टेस्ट आ रहा है, या हैबिट फॉर्म हो गई है, बार बार आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाइन की एडिक्शन हो सकती है, पॉलिटिक्स की होती है, हुहा करने की भी एडिक्शन हो जाती है। फिर थर्ड जो स्टेज है वो एडिक्शन है, और इसके बाद चूंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इस पॉइंट पर आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है। यूजुअली हम देखते हैं कि मॉडरेशन से लोग शुरू करते हैं वाइन की, और ये बढ़ती जाती है यहाँ तक कि जो है इट्स किलिंग पीपल। नेचर ने हमारे अंदर क्या रखा है, सबसे पहले कॉन्शियस आएगा। कॉन्शियस हमें रोकता है, टोकता है। हम कॉन्शियस को अगर इग्नोर करते हैं या ना सुने, इतने अलर्ट ना हो, तो फिर उसके बाद रीजन एक्टिवेट हो जाता है। ये टू फैकल्टीज हैं जो नेचर ने हमारे अंदर रखी हैं। अगर हमारा कॉन्शियस वीक है या रीजन वीक है तो क्या होगा, हमारी इनसेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी हमारी डिक्रीज हो गई। तो नेचर हमको इस तरह प्रोटेक्ट करती है कि पहले कॉन्शियस आएगा यानी जमीर, फिर रीजन आएगी यानी कि अकल। ये दो फैकल्टीज हैं जो आपको इस पे एडिक्शन पे पहुंचने से रोकती हैं। जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं।